वीडियो देखने से पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए हमारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने घर पे नहीं होते हैं या फिर हम अपनी वीडियोस को एडिट करने का समय नहीं निकाल पाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है इवन कि हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो या फिर UPS काम नहीं कर रहा हो तो हम अपने PC को नहीं चला पाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है, तो उस समय वो अपनी मतलब कि अपनी वीडियोज़ को अपने स्मार्टफोन से भी एडिट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को स्मार्टफोन से एडिट कर लेता हूँ कभी कभी, जैसे जब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग का प्रॉपर। तो आज के हमारे फीचर्ड कमेंटर हैं सौरभ कुमार, आपको कमेंट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल। और चलिए बिना किसी देरी के काइंड मास्टर को खोल लेते हैं। काइंड मास्टर खोलते साथ एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया पर क्लिक करिए और अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने अभी ऐसे ही डेमो वीडियो शूट की है। उसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वो नीचे टाइमलाइन पे आपको दिख रही होगी, और नीचे आप देख सकते हैं टाइमलाइन हमारी चल रही है। और इस पर वीडियो पे क्लिक करने पे आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, क्लिप ग्राफिक्स, स्पीड कंट्रोल, रोटेट मिरर, कलर फिल्टर, कलर एडजस्टमेंट। तो कलर फिल्टर आप देख सकते हैं बहुत सारे फिल्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, नेगेटिव, बहुत सारे फिल्टर हैं। आप चाहे तो इनसे अपनी वीडियोज़ को कुछ क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इसे आप चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं, मैं भी इसे बहुत बार यूज़ करता हूँ कलर फिल्टर को। ऊपर आप चाहे तो सिंपली कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये रहा कॉन्ट्रास्ट को आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा ब्राइटनेस, शार्पनिंग सब कर सकते हैं। ये रहा वॉल्यूम इन्वेलप, क्योंकि बहुत जगह आपकी आवाज़ जो है वो कम हो जाती होगी, तो आप चाहे तो उसे वॉल्यूम इन्वेलप के जरिए आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं, उसे मतलब उसकी आवाज़ जो सिंपली तेज कर सकते हैं। ये रहा मिरर ऑप्शन, अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे फ्लिप कर सकते हैं। और ये रहा स्पीड कंट्रोल, आप देख सकते हैं अपनी वीडियो को तेज, स्लो, मतलब धीरे तेज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लिप ग्राफिक आप देख सकते हैं, इसमें आप टाइटल लिख सकते हैं, कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ ट्रांजिशन डाल सकते हैं अगर आप उसमें वहाँ पे एक स्प्लिट प्लेहेड डाल दें तो। और ये रहा आप ऑडियो फिल्टर, आप ऑडियो फिल्टर में बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। आप या तो वॉइस चेंजर डाल दें या वॉइस चेंजर रोबो डाल दें, बहुत सारे वॉइस फिल्टर ऐसे, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो इसे मुझे सही से मालूम नहीं है। यहाँ पर आइए इस सीडर का, जिसे कि आप ट्रिम और स्प्लिट कर सकते हैं, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ द प्लेट, यानी अब बाएं तरफ अपने मैंने ट्रिम कर दिया। और ये रहा अंडो का ऑप्शन, तो अंडो करने के बाद जो पहले था वो वापस आ गया, उसी के नीचे आपको रीडो दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको शेयर का साइन बना हुआ दिख रहा होगा जिससे कि आप लास्टली अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। ये रहा लेयर ऑप्शन, लेयर ऑप्शन पर आप ओवरले, इफेक्ट, मीडिया, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, बहुत सारी फीचर सब मिल जाती है। मीडिया पर क्लिक करके आप अपनी कोई भी वीडियोज़ को या कोई भी फोटोज़ को आप उस पर चाहे तो सिंपली लेयर कर सकते हैं, यानी कि आप पे मतलब कि सिंपली आप वीडियोस के मतलब बीच में ही उस फोटो को डाल सकते हैं। इवन आप चाहे तो PIP भी इसमें डाल सकते हैं, अपनी कोई चलती हुई वीडियोस को भी बीच में लेयर कर सकते हैं। इसमें एक फीचर और थी जो कि मैं बताना भूल गया, जैसे कि ये डुप्लीकेट लेयर है, कि अगर मैं इसे ग्रीन स्क्रीन पर करता तो मैं चाहूँ तो इसे क्रोमा की के जरिए ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यानी कि भी यूज़ करता था, यानी कि क्रोमा की इफेक्ट भी यूज़ कर सकता था जो कि और ज़्यादा अच्छी लगती देखने पर। मेरे पास कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ना ही मैं ग्रीन स्क्रीन यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इस वीडियो में कि ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते थे हम। आप देख सकते हैं ये रहा कैप्चर सेम फ्रेम प्लेहेड, आप चाहे तो इसी फ्रेम को अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं, आप उसे अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये रहा वॉल्यूम का ऑप्शन, इसे आप अपनी बैकग्राउंड की नॉइज़ को ठीक कर सकते हैं, इसे आप अपने कंप्रेस कर सकते हैं नॉइज़ को, लेफ्ट और राइट को पिचिंग सही कर सकते हैं। ये रहा वॉइस ओवर देने के लिए ऑप्शन, जिसे कि मैं अभी आपको वॉइस ओवर देते हुआ मिल रहा हूँ इस वीडियो पे। और ये रहा ऑडियो ऑप्शन, जिसे कि आप अपनी वीडियोस में कमाल के म्यूजिक और इफेक्ट डाल सकते हैं जो कि आपके फ़ोन में सेव हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर आपका कैमरा या कैम रिकॉर्डर खुल जाएगा वहीं पर, और वहीं से अपनी वीडियो को आगे शूट कर पाएंगे और आगे आप इस वीडियो को यूज़ कर पाएंगे। ये रहा ऑडियो फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन, अगर आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं सिंपली, मुझे यूज़ नहीं करना है तो मैं वीडियो सेव करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया और सेव वीडियो टू गैलरी आ गया, सेव वीडियो टू गैलरी पे टिपने के बाद मुझे बहुत सारे ऑप्शन भी दिखते हैं, तो मैं FHD पे क्लिक कर देता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको मजा आएगा हमारे एक क्विक ट्यूटोरियल देखने का कि आप कैसे अपने वीडियोस को बहुत ही अच्छा एडिट कर सकते हैं अपने काइंड मास्टर ऐप से अपने स्मार्टफोन में। तो आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।